हाल ही में अरुणिता अपने घर की तरफ शो करने पहुंची थी। उनके साथ पवनदीप भी गए थे और वो जब कोलकाता शो के लिए गई थी तो वो अपने पेरेंट्स से न केवल मिली थी बल्कि मंच पर अरुणिता की माँ भी अरुणिता के साथ गाना गाती नजर आई थी। अरुणिता की माँ ने मंच पर अपनी बेटी के साथ बराबर से सुर लगाए थे। बेटी का साथ देते हुए अरुणिता की माँ ने मंच पर धमाल मचा दिया था। अब पवनदीप भी उत्तराखंड गए और वो भी वहाँ अपनी फैमिली लेकर मंच पर उतरे। जी हाँ, पवनदीप अपनी बहन ज्योति दीप के साथ मंच पर गाना गाते नजर आए, वो भी पहाड़ी गाना। ज्योति दीप और पवनदीप ने मंच पर पहाड़ी गानों से आग लगा दी। मतलब साफ है कि दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिलने लगी है। इन्हें एक दूसरे की फैमिली के साथ देखकर फिर से इनकी शादी की बात छिड़ने लगी है। लोग पूछ रहे हैं कि फैमिली एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रही है। क्या पवन अनु की जोड़ी को मिलाने की बात हो रही है? क्या कुछ नई खबर मिलने वाली है? क्या पवन अरुण नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब भी पवन अरुण एक दूसरे के साथ होते हैं, इनकी फैमिली होती है, तो इनकी शादी की बात होने लगती है। लेकिन इनका साफ कहना है कि पहले ये फ्यूचर पर ध्यान देंगे और फ्यूचर की वजह से इन्हें एक साथ रहना ही होगा, इसलिए इन बातों को अभी नजरअंदाज करें। वहीं आपको बता दें, ज्योति दीप अपने भाई के साथ मंच पर गाना गाकर बहुत खुश हुई। ज्योति दीप को पवनदीप गाना सिखाते हैं। उन्हें वो बता चुके हैं कि पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करें। पवनदीप अरुणिता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शायद ऊपर वाले ने इन्हें बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा, तभी हर कोई इनके प्यार का कायल हो जाता है। जब भी इन्हें एक साथ देखा जाता है तो एक नई कहानी बनती है। दोनों की दोस्ती वाकई कमाल की है। दुनिया एक तरफ और ये दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते हैं। पवन अरुणिता को अक्सर एक साथ ही देखा जाता है और जब इनमें से किसी एक को देखा जाता है तो कुछ फीका फीका सा लगता है, किसी एक की कमी खलती है। और जब इन्हें एक साथ देखा जाता है तो माहौल ही बन जाता है। पवनदीप अरुणिता का कहना भी है कि आगे भी ये दोनों एक साथ रहेंगे, इनकी दोस्ती ऐसे ही रहेगी क्योंकि इनकी एक दूसरे से अच्छी पटती है। इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखकर कई सवाल उठ चुके हैं और फिर से पवन अरुण की एक वीडियो ने नया सवाल तैयार कर दिया है। दरअसल हुआ यह कि पवन अरुणिता इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर खूब मेहनत कर रहे हैं। हर कंटेस्टेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस दिलवाने के लिए दोनों रात रात भर जाग रहे हैं। खास बात यही है कि जो पवन के कंटेस्टेंट हैं, वो ज्यादातर अरुणिता के साथ वक्त बिता रहे हैं और अरुणिता के कंटेस्टेंट पवन के साथ रहते हैं। दोनों में इतनी बॉन्डिंग है कि इनके कंटेस्टेंट भी अच्छी तरह से समझते हैं कि दोनों में से किसी के पास भी जाओ, किसी से भी मदद ले लो। वीडियो में देख सकते हैं कि पवनदीप की टीम के बच्चे भी अरुणिता के पास बैठे दिख रहे हैं और अरुणिता सबके बीच में घिरी दिख रही है, सबकी मदद कर रही है, सबको सिखा रही है। तभी पवनदीप उन्हें कुछ इशारा कर रहे हैं। यह हो सकता है कि इतने बच्चों के बीच बच्ची बनी बैठी अरुणिता को छेड़ रहे हो पवनदीप। अरुणिता भी उनकी तरफ देखकर हंसती जा रही है, मुस्कुराते हुए नजरें झुका रही हैं। पवन अरु की नई अपडेट के साथ हम लेकर आए एक नई वीडियो जो आप सभी की हार्ट बीट बढ़ा सकती है। बेशक जब पवन अरु का साइलेंट रोमांस लव देखेंगे तो आप भी कुछ कुछ होता है फिल्म का नाम जरूर लेंगे। जी हां, इस बार पवन ने अरुणिता को व्हाइट साड़ी गिफ्ट की। काफी दिन से उन्होंने अरुणिता को साड़ी लुक में नहीं देखा तो उनकी आंखें भी तरस रही थी। ऐसे में उन्होंने अरुणिता के लिए अपने पसंद की साड़ी भी खरीदी और अरुणिता अगले दिन ही उस साड़ी को पहनकर जब मंच पर गई तो पवन का बुरा हाल हो गया। अरुणिता को पवन की दी हुई साड़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उस साड़ी की मैचिंग का बेहद बिंदास ब्लाउज बनवाया। जी हाँ, इस बार अरुणिता ने पवन की पसंदीदा साड़ी का ऑफ शोल्डर ब्लाउज बनवाया। वो जब पहनकर मंच पर गई तो पवन पागल हो गए। पवन ने ना जाने कितने वीडियोस उनके साथ बनाए, कितने फोटोज भी क्लिक करवाए। ऐसा लग रहा था जैसे पवन उन यादों को बहुत ही संभाल कर सजो कर रखना चाहते हैं। वायरल फोटो और वीडियो में देख सकते हैं कि अरुणिता पवन की पसंदीदा साड़ी पहनकर खूब पोज दे रही है। उन्हें भी ये साड़ी बहुत पसंद आई और कहीं ना कहीं ये इनका प्यार साफ दिख रहा है, वो भी पवन के साथ। जैसे ही इन्हें फ्री टाइम मिलता है, ये सब के सब अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। और पवन जब फ्री हुए तो उन्होंने अरुणिता के साथ आज कई इंस्टाग्राम रील्स वीडियो भी बनाए जिन्हें खूब देखा जा रहा है। पवन अरुणिता के पास बैठकर स्टाइल मार रहे हैं। तो आपको पवन अरु की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से एक बहुत ही रोमांटिक वीडियो सामने आई है, जिसे देखने के बाद आपको भी अपने प्यार की याद आ जाएगी। ये वो प्यार है जो ना ही दिखता है ना ही बोलता है, बस महसूस किया जाता है। इनका एहसास कुछ कपल्स को खूब हो रहा है। जी हाँ, इनका प्यार वही समझ सकते हैं जो वाकई सच्चा प्यार का मतलब जानते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पवन अरु एक दूसरे के प्यार में घिर चुके हैं और दोनों बार बार किसी न किसी बहाने से एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से बातें करने का मौका ढूंढते हैं, एक दूसरे के पास बैठने के लिए मौका ढूंढते हैं। शायद यही इनका प्यार है। और एक बार फिर पवन अरुणिता को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। अरुणिता ये मोमेंट कभी नहीं भूल सकती है जिंदगी में, उन्हें ये मंच भी खूब याद आने वाला है। वैसे तो मंच पर कई सारे लोग होते हैं, लेकिन पवन अरुणिता के पास ही बैठते हैं और दोनों एक ही थाली लगाते हैं। एक ही थाली में खाना परोसने के बाद पवन उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। वाकई वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया और एक बार फिर से पवन अरु की प्यार की चर्चाएं होने लगी। इनके रिश्ते को लेकर फिर से सवाल पूछे जाने लगे। दरअसल वीडियो में देख सकते हैं कि सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर सैटरडे को फैमिली एपिसोड होता है। सारे कंटेस्टेंट के पेरेंट्स आते हैं और फिर वहां से सब एक घर की तरह मंच पर खाना लगाते हैं और सब जमीन में बैठकर खाना खाते हैं। इस बीच बहुत ही प्यारा गाना भी बजता है, इनके बीच जजेस भी मौजूद होते हैं। इस बीच पवन और अरुणिता को रोमांटिक अंदाज में देखा गया। कपल्स की तरह ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठते हैं और इनका प्यार उन लोगों को पता चल जाता है जो उस वक्त मंच पर थे। तभी दानिश जावेद से कहते हैं कि पवन भाई अभी से खाना परोसने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ऐसे में इनके लिए ये गाना तो जरूर होना चाहिए, और वो गाना है जोरू का गुलाम बनके रहूंगा। पवन ये बात सुनकर गुस्सा तो हो जाते हैं, लेकिन वो अरुणिता के लिए ये सुनकर भी खुश थे। वो और अरुणिता एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अरुणिता कांचीलाल को कोलकाता में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला तो वो बहुत खुश हो गई। खबर सुनते ही वो उछलने लगी और पवनदीप के साथ फौरन कोलकाता चलने को तैयार हो गई। वहीं आप कोलकाता में उनकी परफॉर्मेंस की वीडियो भी सामने आ चुके हैं। पवन अरुणिता ने मिलकर कोलकाता में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। वहीं अब जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था वो पिक्चर भी सामने आ गई है। जैसा कि हम सब ये सुनना चाहते हैं कि अरुणिता कोलकाता गई तो अपने घर जरूर गई होंगी। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि अरुणिता अपने घर ना जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और आखिरकार वही हुआ। जी हाँ, अरुणिता के घर की फोटो सामने आ चुकी है। अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुशी, और आखिरकार वही हुआ। जी हाँ, अरुणिता अपनी जिंदगी यानी अपने माता पिता से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुई। उन्होंने फोटो भी शेयर की है। फोटो में अरुणिता अपने पिता को किस करती नजर आ रही है। कभी अपने माँ को जोर से झप्पी दे रही है तो कभी पापा के गले से लगकर बिल्कुल लिपटी हुई है। तो अरुणिता माता पिता के साथ ढेर सारे फोटो शेयर कर चुकी है, और आप भी अपनी राय जरूर दें। इस वक्त सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पवनदीप भी उनके साथ गए तो उनकी फोटोज कहाँ हैं? क्या पवनदीप को भी ऐसा ही प्यार मिला है? क्या पवनदीप को भी अरुणिता के घर में कुछ इस तरह ही स्वागत किया गया है? इनकी खुशी देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अरुणिता अपने माता पिता के घर पवनदीप को भी ले गई होंगी। मैं आपको बता दें, अरुणिता की माँ अरुणिता के लिए आइडल है। जी हाँ, अरुणिता को गाना सिखाने में उनकी माँ का सबसे बड़ा योगदान है। अरुणिता की माँ भी सिंगर है। अरुणिता इंडियन आइडल के मंच पर आने से पहले सारे गामापा लिटिल चैंप्स की विनर बन चुकी हैं और लगातार अब वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती ही जा रही हैं। तो आप अरुणिता के बारे में क्या सोचते हैं, आप भी बताइए। और पवनदीप के फोटो का क्या आप भी इंतजार करें?